नौजवानों की चुनौतियां विकराल हो चुकी हैं। उनके धरने प्रदर्शनों को ही कवर करने निकलेंगे तो 5 साल तक घर नहीं लौटेंगे। इस मामले में गोदी मीडिया और हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप का आभार प्रकट करना चाहते हैं। अगर वो प्रोपेगेंडा में इन नौजवानों को घेर कर नहीं रखते, इस देश की जवानी को नहीं उलझाते, तो नौजवान जागरूक हो जाते और गोदी मीडिया से उम्मीद करने लग जाते कि अब कुछ पत्रकारिता भी। इन झंझटों से मुक्ति का जश्न आप जानते हैं कहां मनाया जा रहा है, हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप। एक चीज समझिए, इस साल केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक प्रवेश परीक्षा कराने की नीति लागू हुई। जुलाई और अगस्त परीक्षा होने में ही बीत गए, सितंबर के 6 दिन बीत चुके हैं। इस परीक्षा का रिजल्ट किस तारीख को आएगा कोई नहीं बता रहा। छात्रों को अभी तक पता नहीं कि उनका नामांकन किस कॉलेज में होने जा रहा है। प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, दबाव में आकर छात्र प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले रहे हैं जबकि उन्हें पढ़ना था सरकारी कॉलेज में। इस पर प्रधानमंत्री का बयान नहीं आ रहा है कि पढ़ाई के 3 महीने जो बर्बाद हुए हैं उसकी भरपाई पीएम श्री योजना के तहत होगी या बर्बादी श्री का माला पहनकर छात्रों को अकेले घूमना होगा। डू यू गेट माई पॉइंट? इस साल सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक ही परीक्षा हो रही है, इसका नाम है CUET। करीब 15 लाख छात्रों ने इसके लिए फॉर्म भरे हैं, 14,90,000 छात्रों का मामला है। ऐसा लगता है कि परीक्षा हो या ना हो, एडमिशन हो या ना हो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अगस्त एक और मामले में आकर अब जाने वाला है और छात्र बेचैन हो रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा कब पूरी होगी, नतीजे कब आएंगे, नामांकन कब पूरा होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक की प्रवेश परीक्षा कई हफ्तों की देरी से चल रही है और देश आराम से चल रहा है। UGC और NTA के ट्विटर हैंडल पर नतीजे आने की तारीखों के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं। इंडियन एक्सप्रेस NTA के किसी अधिकारी का बयान छपा है, नाम नहीं है, लेकिन इस बयान में अधिकारी ने 2 तारीखें बताई, 7 सितंबर को नतीजे आ जाएंगे या बहुत से बहुत 10 सितंबर तक आ जाएंगे। अगर ऐसा है तो नामांकन में ही सितंबर का महीना जाने वाला है। 2019 में दिल्ली विश्वविद्यालय में 20 जुलाई से स्नातक की कक्षाएं शुरू होंगी, यहां सितंबर में शुरू होंगी, आखिर में इसका ठिकाना नहीं। अगस्त तो चला ही गया, क्या इससे किसी को फर्क पड़ता है? केंद्रीय विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं करीब 14,90,000 छात्रों ने फॉर्म भरे। जनरल छात्रों के लिए परीक्षा के फॉर्म की फीस 650 रुपए और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 550 रुपए, इस पर GST अलग से। NTA को परीक्षा फीस के रूप में कितना पैसा मिला है इसकी सार्वजनिक जानकारी नहीं है। UGC और NTA के ट्विटर हैंडल पर छात्र पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब निकलेगा, पढ़ाई कब शुरू होगी। इनका कहना है कि निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है लेकिन यहाँ नामांकन तक नहीं हुआ है। छात्र पूछ रहे हैं कि रिजल्ट की कोई आधिकारिक तारीख क्यों नहीं बताई जा रही है। 6 अप्रैल को NTA ने अधिसूचना जारी की थी, इसमें यही लिखा है कि परीक्षा जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते में होगी और नतीजों की घोषणा वेबसाइट पर कर दी जाएगी, मगर नतीजों की कोई तारीख ही नहीं है। इस परीक्षा के दूसरे चरण की परीक्षा 4 से 6 अगस्त के बीच होगी, उसे टाला गया, कहा गया कि 12 से 14 अगस्त के बीच होगी। फिर 7 अगस्त को एक ट्वीट आता है, 12 से 14 अगस्त वाली परीक्षा अब 24 से 28 अगस्त के बीच होगी, नए सिरे से एडमिट कार्ड जारी किए जाए। कई बार परीक्षा केंद्र बदले जाने को लेकर परेशानियां आई तो बीच परीक्षा में तकनीकी खराबी को लेकर परीक्षाएं रद्द भी करनी पड़ी। दिल्ली विश्वविद्यालय 20 जुलाई के आसपास से पढ़ाई शुरू हो जाया करती है, नामांकन की प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो जाती, मगर अगस्त बीतने जा रहा, प्रथम वर्ष की पढ़ाई शुरू नहीं, लगता है सितंबर भी नामांकन और काउंसिलिंग में चला जाएगा। इस नुकसान की जवाबदेही किसकी होगी और इसका भार किस पर आए, इस पर बात तब होगी जब इस देश को छापों की राजनीति से फुर्सत मिलेगी। 15 लाख छात्रों का सवाल, 2 महीने की देरी हो चुकी, अभी और देरी हो कहीं कोई हलचल, कोई और देश होता तो रोज इस पर बहस होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन ट्विटर हैंडल पर तारीखों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं।
ऐसा नहीं है कि मीडिया में खबरें नहीं। रविश रंजन, अक्षय डोंगरे ने हमारे ही यहाँ इस पर रिपोर्ट फाइल। अखबारों में भी काफी खबरें मिले कि परीक्षा केंद्र बदले गए, परीक्षा केंद्र पर इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, जवाब टाइप नहीं हो रहा था। कारण जो भी रहे, जिसकी भी जवाबदेही, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। नुकसान छात्रों का हो रहा है। अगर इस देश का छात्र इसे नुकसान समझने की हालत में है तब, वरना क्या पता वो इसे भी फायदा मान रहा हो और व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी वाहवाही कर रहा हो, आप कुछ भी नहीं कह सकते। 7 अगस्त को यूजीसी के चेयरमैन मामीदला जगदेश कुमार ने इस पर सफाई। उनका बयान मीडिया में कई जगहों पर छपा है। चेयरमैन ने कहा कि CUET की परीक्षा में जानबूझकर और षड्यंत्र के तहत गड़बड़ी की जा रही है। अखबार में छपा है। किसने षड्यंत्र किया है इस बारे में कोई जानकारी नहीं। अगर किसी ने ऐसा किया है तो क्या UGC ने CBI जांच के लिए लिखा, कहीं FIR हुई? 15 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर है और इतने हल्के में कह दिया जाता है कि षड्यंत्र हो गया और इस वजह से 3-3 महीने की देरी हो रही है। डिजिटल इंडिया का ढिंढोरा पीटने के इतने वर्षों के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा समय पर पूरी नहीं हो सकी। कोविड के समय आरोग्य सेतु बन गया, आपको पता है कितनी जल्दी बना। कोविन की वेबसाइट बन गई, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्रवेश परीक्षा की मुकम्मल व्यवस्था नहीं करती। नई प्रवेश परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 6 मई रखी गई, उसको तैयारी होगी। जून, जुलाई, अगस्त बीत रहा है, परीक्षा पूरी नहीं हुई। ये उस यूनिवर्सिटी का हाल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जहां बड़ी संख्या में शिक्षक एडहॉक पढ़ाते, 10-10 साल पढ़ाने के बाद भी नौकरी मिलने का इंतजार करते हुए बुढ़ाते जा रहे हैं। ऐसी हताशा में कोई शिक्षक क्या ही पढ़ाता हो। 2019 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 2.5 लाख छात्रों ने फॉर्म भरे। हमारे सहयोगी हरि सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से बात। उनका कहना है कि इतनी बड़ी परीक्षा कभी नहीं हुई थी भारत में, इसलिए अड़चने आई, मगर कोशिश है कि सितंबर के अंत तक सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली। इसका मतलब है पढ़ाई अक्टूबर से ही शुरू होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं दिसंबर और जनवरी तक हो जाएगी। क्या तब तक पहले सेमेस्टर का कोर्स पूरा होगा? कुछ ही दिन पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून के छात्र इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे कि कोर्स पूरा नहीं और परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई और शुरू भी हो। क्या यह साधारण बात है?